ऐसे तो बिहार में हनुमान जी के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन पटना का ये मंदिर अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना सन 1730 ईस्वी में हुई थी। हम बात कर रहे हैं पटना में स्थित महावीर मंदिर के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल बिहार में। आज की खास पेशकश में हम देखेंगे पटना के महावीर मंदिर के बारे में जुड़े ऐतिहासिक तथ्य और इसके इतिहास के बारे में। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। करीब 10,000 वर्ग फीट में फाइल महावीर मंदिर की बनावट और संरचना बहुत ही खूबसूरत है। शाम के वक्त जब मंदिर की लाइट ऑन की जाती है तो मंदिर रंगीन रोशनी से और भी आकर्षक लगता है। महावीर मंदिर पटना का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा की तरफ है। मंदिर बहुमंजिला है, जिसके गर्भगृह में हनुमान जी के अलावा और कई भी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं कि इस हनुमान मंदिर की कुछ खास विशेषता है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग करती है। इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर बजरंग बली की दो मूर्तियां एक साथ स्थापित है। पहली प्रतिमा परित्राणाय साधु नाम यानी सद्गुणी लोगों के कार्य को पूर्ण करने वाली है। वहीं दूसरी प्रतिमा दुराचारियों की बुराई को हरने वाली है। मंदिर में कई मंजिले हैं। मंदिर के पहले मंजिले वाले गर्भगृह में भगवान राम भगवान श्री कृष्ण को स्थापित किया गया है। इसमें कृष्ण भगवान को अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान करते हुए चित्रित किया गया है। इसके साथ ही माँ दुर्गा माता पार्वती भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग और उनके बैल नंदी की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा यहाँ और भी अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। महावीर मंदिर की दूसरी मंजिल को संस्कार मंडप के रूप में जाना जाता है। इस मंजिल पर मंत्रों का जप कथा और पवित्र ग्रंथों का पाठन आदि अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर ही रामायण से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं का चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस मंदिर में रोज हजारों भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना सन 1730 ईस्वी में हुई थी। इस मंदिर के संस्थापक रामानंदी संत बालानंद स्वामी को माना जाता है। बाद में इस मंदिर पर गोसाई पंथों के संतों ने अपना हक जमाया। सन 1983 में पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर नए भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय किशोर कुणाल को दिया जाता है। किशोर कुणाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेनावीर अधिकारी हैं, जिनके अथक प्रयास से आज यह भव्य महावीर मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में दिखाई देता है। वैसे तो इस मंदिर में रोज हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में भक्त जमा होते हैं। रामनवमी पर हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। दोस्तों, महावीर मंदिर पटना के बारे में रोचक जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।